नमस्कार, आप सभी का मेरे किचन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ संध्या और आप देख रहे हैं संध्यास देसी किचन। तो सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगी कि शादियों का मौसम आ गया है और इसी को देखते हुए मैंने आप लोग के लिए एक मिठाई की रेसिपी शेयर की है। वो क्या है ये जानने के लिए आपको शुरू से अंत तक हमारे वीडियो में बने रहना है और अंत में कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो आपका समय ना लेते हुए आपको अपनी किचन की ओर ले चलते हैं। तो चलिए हमारे किचन की ओर और देखिए कि मैंने आपके लिए आज क्या बनाया है। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैंने क्या बनाया है। मैंने बनाया है आगरा का सबसे फेमस सैंडविच पेठा। ये बहुत ही फेमस मिठाई है आगरा की और इसकी मैंने 5 तरह की वैरायटी आपको बनाई हुई है। देखिए, अंगूरी पेठे हैं ये बहुत फेमस है और बहुत रसीले हैं। ये देखिए, रोज़ पेठा है। तो इस प्रकार मैंने 5 तरह की मिठाइयाँ, 5 तरह के पेठे आपको बनाए हैं। ये देखिए, ये हमने रोज़, खसखस और पाइनएप्पल पेठा बनाया हुआ है और इन सब की रेसिपी आज मैं बताने जा रहा हूँ। ये हमारे यहाँ जो कॉमन जो पेठा मिलता है, ये ड्राई वाला पेठा, आपने इसको खाया होगा। तो चलिए इसकी रेसिपी बनाने जाते हैं। सबसे पहले हमने ये एक सफ़ेद कद्दू, जिसको बरीहा कुमड़ा भी बोलते हैं काफ़ी जगह पर, एश गार्ड भी बोलते हैं इंग्लिश में इसको, तो ये हमने ले लिया है। ये देखिए, इसको हमको इस प्रकार से कट कर लेना है। हमने इसके आधा भाग लिया है, इसी में से हमने ये सारी वैरायटी बनाई हुई है। आधा हमने बरी के लिए रख लिया है। तो देखिए, इस प्रकार से हमको राउंड शेप में काट लेना है। इसको बीच में से हमको एक बार और काट लेना है, कट कर लेना है, ये देखिए। और हमको चेक कर लेना कि हमारा जो कद्दू है ये पका हुआ होना चाहिए। देखिए इस प्रकार से इसकी स्किन पर वाइट वाइट कलर का, देखिए चूने जैसा एक सफ़ेद सफ़ेद कुछ इसके ऊपर स्किन पे आ जाता है। और इसके बीज भी चेक कर लीजिए, काफ़ी हार्ड हो जाते हैं जब पक जाता है कद्दू। तो इसकी मिठाई बहुत अच्छी बनती है और काफ़ी दिन तक चल जाती है। तो देखिए, जिस प्रकार से मैंने कट किया इसी प्रकार से आपको कट करना है। ये देखिए, बीच में से हमने राउंड शेप में कट करके सारे बीज एक साथ इसके निकल जाते हैं और बाकी जो बचता है उसको हम इस प्रकार से क्लीन कर लेते हैं। देखिए, इसकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ढंग से हम इसकी क्लीनिंग अच्छे से कर लें। ये देखिए, अच्छे से साफ़ हो गया। अब इसको साइड से हमको इस तरह छोटे छोटे, ये देखिए टुकड़ों में, हमें थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में से कट कर लेना है। देखिए, हमने सारे पीसेस कट कर लिए हैं। अब इसका जो सॉफ्ट पार्ट है ऊपर का, जहाँ बीज थे हमारे, उसको हमको निकाल लेना है। और पीछे की जो ग्रीन पार्ट होता है, इसको भी हमको चाकू से अच्छी प्रकार से छील के निकाल लेना है। ये देखिए, इसमें आपको ध्यान देना है कि ज़रा भी ग्रीन पार्ट नहीं रहना चाहिए। ये देखिए, पूरा हमको क्लीन कर लेना है। ये देखिए, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब ये हमारा पीस रेडी हो गया है, तैयार हो गया है। इसी तरह हमको सारे पीसेस को कट कर लेना है। आपको अपने हाथों को बचाते हुए बहुत ध्यान पूर्वक इसको कट करना है। ये देखिए, और हमको इसको पानी में डाल करके रखना है। इसको देखिए, अब हम इसको आंवले के मुरब्बे की तरह, ये देखिए फोक ले लिया है, इससे हमको पूरा गोद लेना है। अच्छी तरह से हमको इसमें, अच्छी तरह से पास पास, बहुत दूर दूर नहीं, बिल्कुल पास पास इसको होल कर लेने हैं। ये देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ इसी प्रकार आपको भी कर लेना। साइड से भी थोड़ा सा
को कर लेना है, ये देखिए। तो इस प्रकार से सारे पीसेस को हमको, देखिए आप दबा के देखेंगे आपको पता चल जाएगा आपका पीस है दबने लगेगा अच्छी प्रकार से, तो समझ जाइए कि अच्छी प्रकार से आपका पीस की गुदाई हो चुकी है। ये देखिए ये दूसरा पीस हम ले लिया अब हमने, जितना अच्छा आप गोदेंगे उतना अच्छा रसीला आपका पेठा बनेगा। जैसे आंवले के मुरब्बे में हम आंवले को जितना अच्छा अंदर तक गोदते हैं और जितना बढ़िया गुदाई होती है उतना ही टेस्टी आंवले का मुरब्बा बनता है, उसी मेथड पे इसको भी हम, देखिए सारे पीसेस हमने इसके कर लिए हैं। ये देखिए हमने चूना ले लिया है, खाने वाला चूना आप ले सकते हैं, चाहे तो आप पाउडर भी ले सकते हैं और चाहे तो आप गीला चूना भी मिलता है पान की दुकान में आप ले सकते हैं, हमको ज़्यादा नहीं, बस देखिए ये देखिए आधा चम्मच हमने ले लिया, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे चूने में चम्मच में लेकर के, देखिए हमने पानी मिला लिया जिससे अच्छी प्रकार से पूरे पानी में हम घोल सकें इसको। देखिए जिस बर्तन में हमने ये जो अपने कद्दूओं को पीसेस को रखा है उसमें हम चूने को घोल देंगे, ये देखिए बहुत ज़्यादा चूना नहीं डालना है, आधा चम्मच में आपका काफ़ी रहता है। अब हमें इसे 7 से 8 घंटे के लिए ढक करके रख देना है। अब दूसरे जो हमारे कद्दू का बचा हुआ था पार्ट उसमें हमने ये देखिए अलग अलग शेप और साइज़ के कट कर लिए हैं, ये देखिए पेठे को अलग अलग फ्लेवर देने के लिए अलग अलग साइज़ में हमने कट कर लिया है, ये सिलेंड्रिकल शेप में दे दिया है और ये देखिए एक दूसरे हमने गोल शेप में कट कर लिए। इनको कट करने के लिए हमने ये इस्तेमाल किया है कुकीज़ कटर का, ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं अलग अलग शेप और साइज़ में, ये देखिए हार्ट शेप के हैं राउंड शेप के हैं, आप जिस शेप में चाहें अपने पेठे को आकार दे सकते हैं। तो हमने ये देखिए दो तरह के शेप में दिया है, एक राउंड में दिया है और एक ये सिलेंड्रिकल शेप में दिया हुआ है। इनको भी उसी प्रोसेस की तरह चूने के पानी में हमको भिगो करके रख देना है। सबसे पहले तो हमको इनको फोक से जिस प्रकार से हमने दूसरे वाले पीसेस को किया था उसी वही प्रोसेस हमको इन पीसेस से भी करनी है। ये देखिए पहले हमको इनको काट करके और इनको अच्छी प्रकार से फोक की सहायता से आपको अच्छे से बढ़िया से इसको गोद लेना है, ये देखिए, और फिर चूने के पानी में हमको रात भर इनको भी ढक करके रख देना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस, मॉर्निंग में हमने अच्छी प्रकार से इसको साफ़ कर लिया है, ये देखिए आपको 4 से 5 पानी में धो देना, बिल्कुल चूने का बिल्कुल भी इसमें रह ना जाए, एक भी जरा भी चूने के इसमें नहीं रहना चाहिए। तो ये रेडी हो गया है धुल के, पानी से हमने इसको अलग कर लिया है। अब ये देखिए काफ़ी हार्ड हो जाता है और काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं हमारे पीसेस, ये देखिए आप इसको चौकोर शेप में कट कर लीजिए, जैसे मार्केट में आप लोग देखते हैं नॉर्मल जो पेठे मिलते हैं इनका इसी प्रकार से शेप रहता है। तो हमने पूरे जो थे उनको इस प्रकार से कट कर लिया है। जो दूसरे बर्तन में हमने पीसेस भिगोए थे उनको भी अच्छी प्रकार से क्लीन कर लेना है, साफ़ करके हमको अलग कर लेना है। और हमारे टोटल जो पीसेस हैं कद्दू के वो 1 kg के करीब थे, तो इसके लिए हमको 3 पाव शक्कर लेनी है और इसको आप जैसे हम आंवले का मुरब्बा बनाते हैं लेयर में, उसको हमको नीचे शक्कर की थोड़ी सी लेयर बिछा लेनी है इस प्रकार से, ये देखिए। और पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए हमारे कद्दू के पीसेस में, ये देखिए इस प्रकार से हम थोड़ा थोड़ा पीसेस और उसके ऊपर शक्कर की थोड़ी सी लेयर, ये देखिए थोड़ा सा शक्कर डालते जाइए। और कुछ एक आप बड़े साइज़ का बर्तन लेंगे फैला हुआ, ये देखिए उसके ऊपर हमने फिर से पीसेस डाल दिए, फिर इसके ऊपर हमने शक्कर की एक लेयर डाल दी। इसी प्रकार से आप जो शक्कर लीजिए उसको लेयर करते जाइए, ये देखिए हमने इसको दो जगह पर शक्कर को अपने और जो कद्दू के पीसेस उनको लिया है, बड़े बड़े पीसेस हमने एक साइड कर दिए, ये देखिए राउंड शेप वाले जो हमारे पीसेस थे इनको हमने इसमें डाल दिया है, ऊपर से शक्कर की लेयर एक लगा दी है, ये देखिए।
अब इसको हमको ढक के हमने रख दिया 1 से 1.5 से 2 घंटे के लिए। आप छोड़ दीजिए उसको, और जो छोटे पीसेस थे जो सिलेंड्रिकल शेप के हमने लिए थे और जो दूसरे छोटे छोटे कट किए थे उनको हमने दूसरे बर्तन में लिया हुआ है। पहले नीचे एक लेयर शक्कर की, वही प्रोसेस हमको करना है। और उसके ऊपर हमने ये देखिए कद्दू के पीसेस डाल दिए हैं, फिर हमने थोड़ा सा शक्कर की लेयर डाली है, और फिर बचे हुए जो पीसेस हैं इनको हमने इसमें डाल देना है। ये देखिए इनको हम क्या है कि अंगूरी पेठा बनाएंगे, वो साइज़ उनका छोटा रहता है, तो इनको हमको ऊपर से लेयर लगा के शक्कर की ढक करके 1.5 से 2 घंटे के लिए आप इनको छोड़ देंगे, जिससे कि इनका ये पानी अंदर का जो रहता है वो छोड़ दे शक्कर के साथ, जैसे मुरब्बे की प्रोसेस रहती है। ये देखिए देखिए पानी आपको दिख रहा होगा, ये पानी छोड़ दिया है हमने, इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है। ये शक्कर और इसके पीसेस से कद्दू के छूटा है पानी। अब हमको इसको कढ़ाई में चढ़ा देना है। ये देखिए हमने इसको कढ़ाई में, अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा तेज़ आंच रखनी है आपको। ये देखिए ये अपने आप पानी छोड़ रहा है शक्कर से। अभी हमको ढक्कन खुला रखना है इसको, ये देखिए जिससे अच्छी प्रकार से इसका पानी वो हो जाए, शक्कर थोड़ी सी हमको गाढ़ी करनी है इसको। अब हम थोड़ा सा ढक देते हैं, 5-5 मिनट में हमको इसको खोल खोल के देखते रहना है। ये देखिए काफ़ी पतला हो गया है सीरा शक्कर का। अब ये धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा, हमको शहद से थोड़ा सा ज़्यादा इसको गाढ़ापन रखना है। इसी के साथ साथ जो हमारे जो पीसेस हैं कद्दू के, उसके अंदर अच्छी प्रकार से ये देखिए रस पूरा भर जाता है, इसके कारण काफ़ी रसीले रहते हैं। ये दूसरा जो हमने भगोना है उसको भी चढ़ा दिया साथ में। ये भी देखिए अभी हमने मीडियम फ्लेम कर दी है, जब आपका पीसेस पक जाए या आपकी शक्कर कम बचे तो आप लो फ्लेम कर दें इसकी। ये धीमी आंच कर दी हमने, और शक्कर का जो गाढ़ापन है वो शहद की तरह रहना चाहिए, शहद से थोड़ा गाढ़ा ही रहे तो अच्छा रहेगा। देखिए अभी थोड़ी सी कसर बाकी है, अभी पूरी तरह से प्रॉपर नहीं बना है, आपको थोड़ा थोड़ा देर में चेक करते रहना है 5-5 मिनट में, क्योंकि काफ़ी पक चुका है, अब थोड़ी सी ही कसर बाकी है हमारे पेठे के बनने में। देखिए हमको ऊपर नीचे चलाते भी रहना है थोड़ा सा, जिससे नीचे जलने का डर ना रहे, क्योंकि जब शक्कर गाढ़ी हो जाती है तो थोड़ा अगर आप ध्यान ना दें तो जल भी सकती है। ये देखिए इसलिए हमको थोड़ा थोड़ा चलाते रहना है। ये देखिए ठंडा होने पे और गाढ़ी हो जाएगी। ये जो बड़े पीसेस हैं हमने इसको कढ़ाई में रखा हुआ है, ये देखिए इसमें भी हमारी शक्कर देखिए गाढ़ी होती जा रही है, लेकिन अभी कसर बाकी है। और थोड़े थोड़े शक्कर का जो सीरा है उसको हम ऊपर इस प्रकार से, ये देखिए काफ़ी ट्रांसपेरेंट दिख रहा है पीसेस, ऊपर नीचे हम करते रहेंगे जिससे हमारे सारे पीसेस अच्छी प्रकार से शक्कर में पक जाएं। ये देखिए ये रेडी हो गया है। ये देखिए बहुत कम बचता है सीरा, ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो जाता है, ज़्यादा नहीं बचा है, 3 से 4 चम्मच है। ये देखिए इसमें देखिए इस प्रकार से, ये देखिए एक तार की चाशनी बन चुकी है हमारी, रेडी हो गया। अब थोड़ी सी कसर इसमें भी बची हुई है, ये देखिए ये भी तैयार हो गया है। हमने जो पीसेस थे जो राउंड शेप के उसको हटा लिए, और बाकी जो स्क्वायर शेप में थे इनको हमने थोड़ी देर और चढ़ा के रखा है, क्योंकि हमको इनका ड्राई पेठा बनाना है, केवड़ा वाला, केवड़ा फ्लेवर का हमको इसको बनाना है। ये देखिए जैसे मार्केट में आप लोगों ने देखा होगा इसी प्रकार के पेठे ज़्यादा मिलते हैं। ये देखिए ये बन चुका है, अब हमने इसमें केवड़े का एसेंस डाल दिया है। ये कुछ दिन तक चल जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी हमने इसकी शक्कर को सुखा दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब देखिए स्टफिंग के लिए हमने, ये देखिए
मलाई ली है, 3 से 4 चम्मच मलाई ले लीजिए, बिल्कुल फ्रेश मलाई इस्तेमाल करिएगा। और जो शक्कर बची हुई थी, ये देखिए जो हमारे सीरे की शक्कर थी, उसी का इस्तेमाल हमने इसमें कर लिया है। 2 चम्मच आप डाल दीजिए और तेज़ आंच में इसको बढ़िया फटाफट चला लीजिए। इसके से 5 मिनट में आपकी स्टफिंग तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये देखिए इससे क्या होता है कि मलाई से घी अलग नहीं होता है, फटाफट बन जाता है, बिल्कुल रबड़ी वाला जो स्टफिंग तैयार होती है इसकी, जो आगरा का फेमस रबड़ी सैंडविच पेठा है वो बन के तैयार हो जाता है। देखिए अब आप इसकी गैस ऑफ कर देंगे और इसको चलाते रहना है, इससे गाढ़ा हो जाएगा और ठंडा होने के बाद और गाढ़ा हो जाता है। ये देखिए देखिए ठंडा हो गया। अब हमने देखिए बादाम और काजू थोड़े से कट करके बारीक डाल दिए, आप चाहें तो अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए आपको बारीक कट करके डालना है। अच्छी प्रकार से हमने मिला लिया इसको, ये देखिए काफ़ी अच्छी स्टफिंग तैयार होती है और बहुत टेस्टी लगती है। अब हमको 1 चम्मच इलायची पाउडर इसमें ऐड कर लेना है। देखिए इलायची पाउडर डाल दीजिए, अच्छी प्रकार से इसको चला लीजिए। तो ये हमारी सैंडविच पेठे की स्टफिंग रेडी हो गई है। सैंडविच पेठा बनाने के लिए ये देखिए ठंडे हो गए हमारे पीसेस। अब इसमें हमको केसर का इस्तेमाल करना है, केसर आपको पहले से भिगो लेना है। ये देखिए हमने हल्के गुनगुने पानी में ये केसर के रेशे भिगो दिए हैं और काफ़ी अच्छा कलर आता है इसका, ये नेचुरल कलर है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है केसर के फ्लेवर की। तो ये हमारा केसर सैंडविच पेठा रेडी होगा। इससे अब इसको हमको साइड कर देना है, ये अपने आप 5 से 10 मिनट में इसमें बहुत अच्छा कलर चढ़ जाता है और पूरा अंदर तक बिल्कुल बहुत बढ़िया। ये देखिए ये हमारे सिलेंड्रिकल शेप वाले पेठे के पीसेस हैं। इसमें हमको पाइनएप्पल फ्लेवर में बनाना है। ये देखिए तो हमने इसे पाइनएप्पल एसेंस का इस्तेमाल किया हुआ है, मार्केट में मिल जाते हैं, आप ले सकते हैं। और इसमें हमने येलो और रेड कलर को मिक्स कर दिया है, ये बहुत अच्छा कलर आता है इसमें। देखिए ये बहुत अच्छे फूड कलर्स हैं, अच्छी क्वालिटी का मैंने इस्तेमाल किया है। इसको भी आप साइड में रख दीजिए, तब तक ये अच्छी तरह से कलर चढ़ जाता है। ये हमारा खसखस पेठा है। ये देखिए ये सब छोटे छोटे अंगूरी पेठे जो मिलते हैं आगरा के, फेमस पेठे आपने खाए होंगे, वो पेठे रहते हैं और बहुत बढ़िया लगते हैं और बहुत ही रिफ्रेशिंग होते हैं। ये देखिए हमने इसमें कलर डाल दिया है ग्रीन और इसके ऊपर हमने खसखस का एसेंस डाल दिया है और आप इसको अच्छी प्रकार से ऊपर नीचे चला दीजिए। बहुत ही बढ़िया कलर आता है और बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, काफ़ी वैरायटी तैयार हो जाती है एक ही कद्दू के एक ही उससे। ये देखिए ये हमने रेड कलर का इस्तेमाल किया है इसमें। अगर आपको चम्मच से प्रॉब्लम हो तो आप हाथों से भी अच्छी मिक्स कर सकते हैं अच्छी प्रकार से। मैंने तो हाथ से, ये देखिए ये हमारा रोज़ पेठा तैयार हो गया है। इसमें हमने रोज़ का एसेंस इस्तेमाल किया है, इस प्रकार से आपको मिक्स कर लेना है एसेंस और कलर, और इसको 5 मिनट के लिए आप छोड़ देंगे तो काफ़ी अच्छा कलर आ जाता है। ये देखिए केसर का कलर काफ़ी अच्छा आ गया है, सारे पीसेस में अच्छी तरह से चढ़ गया है। अब हम इसमें स्टफिंग करेंगे। तो स्टफिंग करने के लिए आपको चाकू का इस्तेमाल करना है, बीच से सैंडविच की तरह इसको कट करना है, जैसे आप पाव को कट करते हैं। ये देखिए बीच से, ये देखिए काफ़ी ट्रांसपेरेंट बना हुआ है, देखिए हमारा पेठा आपको ऊपर से दिख रहा होगा कट करने पर। इसको हमको थोड़ी थोड़ी मलाई इसमें भर लेनी है। ये देखिए इसको आप प्रेस करके अच्छी प्रकार से अंदर तक फिल कर दीजिए।
ये बहुत बढ़िया लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। आप इसको फ्रिज में रख के 2 से 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, और एक बार आप खाएंगे तो आप हमेशा इसको बनाएंगे। ये बहुत बढ़िया और बहुत ही इजीली बन जाता है, इसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं रहता है। तो इस प्रकार से हमने सारे पीसेस की स्टफिंग कर ली है, सबको हमको इस प्रकार से भर लेना है। ये देखिए, ऊपर से आप थोड़ा सा चांदी के वर्क लगा के इसकी, ये देखिए हमने चांदी के वर्क को लगा लिया है। ये बिल्कुल मार्केट की तरह लगता है, आप कोई नहीं कह सकता कि ये घर में बना हुआ है। ये देखिए, काफ़ी रिच लुक आ रहा है इसका। तो ये हमारे अंगूरी पेठे तैयार हो गए हैं। तो देखिए, हमने एक कद्दू से आगरा की 5 फेमस पेठे की रेसिपी तैयार की है। तो आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा, इसको ज़रूर आप ट्राई करिएगा और हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपने कैसे बनाया। और कोई भी डाउट हो तो आप में बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे हमारे वीडियोस की सूचना आप तक पहुंचती रहेगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो देखने के लिए।